खान की चार सदा जलसे से वापसी, पिंडाल ने पुरतपाक अंदाज में अपने लीडर को रुखसत भी किया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ स्टेज से उतरकर हेलीपैड तक आए तो हजारों की तादाद में लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए। कैमरे की आंख ने मंजर अक्स बंद कर लिया। इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़ शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद किया। नैब तरमीमी कानून नाफिजुल अमल हो गया। एहतसाब अदालतों ने करप्शन मुकदमात वापस करना शुरू कर दिए। एहतसाब अदालतों ने दायर संगीन करप्शन के 50 रेफरेंसेस वापस कर दिए हैं। वापस किए गए रेफरेंसेज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेज शामिल हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन, इसके अलावा सेनेटर सलीम वांडवीवाला के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस कर दिया गया है। नैब की जानिब से वापस किए गए रेफरेंसेज में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्दबुर्द का रेफरेंस और मुतारबा स्कैंडल कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो अब दुरुस्त साबित हो चुका है। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद हासिल कर सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।